बीएससी फर्स्ट ईयर सेक्शन बी सब्जेक्ट जूलॉजी फर्स्ट पेपर यूनिट फर्स्ट टॉपिक फाइलम पोरिफेरा। आज फाइलम पोरिफेरा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। फाइलम पोरिफेरा टू वर्ड से मिलकर बना होता है, पोरस प्लस फेरो। पोरस का अर्थ होता है पोर, फेरो का अर्थ होता है टू बियर या फेरो। पोर का अर्थ होता है छिद्र नुमा संरचना, तब फेरो या टू बियर का अर्थ होता है धारण करना। तो इस प्रकार के एनिमल्स जिनके बॉडी पर अनेक पोर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उन एनिमल को फाइलम पोरिफेरा के अंतर्गत रखा गया है। सर्वप्रथम साइंटिस्ट इलियास ने सिद्ध किया कि स्पंज भी एनिमल होते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट रॉबर्ट ई ग्रांट ने पोरिफेरा वर्ड्स के बारे में बताया और 1836 के अंतर्गत बताया था। स्पंज के अध्ययन को पेराजूलॉजी कहते हैं। पोरिफेरा फाइलम में 9000 स्पीसीज पाई जाती है। स्पंज जातिवर्ती रूप से यह प्रोटोस्पोंजिया एनिमल से इनकी ओरिजिन हुई थी, जो प्रोटोजोआ तथा पोरिफेरा के मध्य कनेक्टिव लिंक होती है। जनरल करेक्टर्स के आधार पर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर हैबिटेट, पोरिफेरा के एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं जिसमें अधिकतर मेराइन वाटर में पाए जाते हैं तथा सम स्पीसीज फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ये सेसाइल होते हैं जो एक जगह फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये एनिमल सोलिटरी होते हैं जो एकलवासी होते हैं अथवा कॉलोनियल ग्रुप में भी रहते हैं। पोरिफेरा फाइलम के एनिमल्स के बॉडी पर अनेक पोर पाए जाते हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। इनके द्वारा वाटर करंट बॉडी में प्रवेश करती है तथा एक या दो पोर और पाए जाते हैं जिनको ओस्कुलम कहते हैं, जिसके द्वारा वाटर करंट बॉडी से बाहर की ओर निकलती है। स्पंज आकार के आधार पर ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। फूलदान नुमा बेलनाकार रूप में होते हैं। पोरिफेरा फाइलम में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है तथा एसिमेट्रिकल एनिमल्स भी होते हैं। स्पंज का शरीर दो जननेत्रों से बना होता है, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। बाहरी स्तर नेकोड्रम होता है तथा आंतरिक स्तर कोनोड्रम होता है। स्पंजों का शारीरिक संगठन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कोशिका स्तर का होता है तथा इसमें हेड एंड अपेंडिज एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पोरिफेरा फाइलम की देह भित्ति या बॉडी वॉल में दो जननेत्र पाए जाते हैं। आउटर लेयर को पिनेकोडर्म, जिसमें पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती है जो फ्लेटेड सेल्स टाइप की होती है, तथा पोरोसाइट सेल्स भी होती है जो अंडाकार सेल्स अंडाकार प्रकार की होती है, ओवल शेप। आंतरिक लेयर या एंडोडर्म, जो उसे कोनोड्रम भी कहते हैं, जो कोनोसाइट सेल्स की बनी होती है। पोरिफेरा फाइलम की मुख्य पहचान होती है कि कोनोसाइट सेल्स पाए जाना। इन कोशिकाओं की खोज साइंटिस्ट एच जे क्लार्क ने की थी। पोरिफेरा फाइलम के एनिमल्स में
दोनों स्तरों के मध्य मेसेनकाइम नामक जिलेटिन पदार्थ उपस्थित होता है जो अकोशिकीय होता है, जिसमें निम्न प्रकार की अमीबिक कोशिकाएं पाई जाती है। स्क्लेरोब्लास्ट जो स्केलेटन का निर्माण करती है, स्पंजियोब्लास्ट यह भी स्केलेटन का निर्माण करती है, थिसोसाइट्स यह फूड स्टोरेज का कार्य करती है जो ग्लाइकोजन के रूप में फूड स्टोरेज होता है, फेगोसाइट्स यह भक्षण का कार्य करती है जो किसी बैक्टीरिया को नष्ट करती है भोजन के रूप में, ट्रोफोसाइट्स ये भोजन वितरण का कार्य करती है, आर्कियोसाइट्स स्पर्मेटोजोआ तथा अंडाणुओं का निर्माण करती है जो टोटिपोटेंट सेल्स कहलाती है, कोलिनोसाइट सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कहलाती है जो आपस में टिश्यू को जोड़ती है, क्रोमोसाइट्स ये वर्णकयुक्त कोशिकाएं होती है, मायोसाइट्स अत्यधिक संकुचनशील होती है जो उसको लगभग पाई जाती है।